हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे हैं हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस और इसमें हम लोग फिलहाल देख रहे हैं पेपर टू इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। काफी वीडियोस हम लोगों ने देख रही है और काफी हद तक हम लोग आगे बढ़ गए हैं। हम लोग बेसिकली इस समय देख रहे हैं ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। इस ड्रेनेज पैटर्न में जरा आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट क्लास की डिस्कशन को। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ और फिल्म स्पेशल एज वेल एज मेन्स स्पेशल कोर्सेज हैं जिनको कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। नाउ द नेक्स्ट डिस्कशन इज बेसिकली रिलेटेड विद रिवर रेजीम। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि रिवर रेजीम होता क्या होता है। रेजीम का मतलब होता है एक तरीके का, कह सकते हैं आप कि दिस इज बेसिकली पैटर्न। और रिवर मतलब तो आपको पता ही है कि रिवर का, तो रिवर का जो एक पैटर्न होता है या आप कह सकते हैं जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा है ड्रेनेज बेसिन के बारे में। ड्रेनेज बेसिन के बारे में हम लोगों ने देखा कि जो भी हमारा एरिया है, जो भी एरिया इस रिवर के द्वारा इरिगेट किया जा रहा होता है या फिर कह सकते हैं कि जो कैचमेंट एरिया होता है उसी को हम लोग बोल रहे थे बेसिकली ड्रेनेज बेसिन। रिवर रेजिम का मतलब होता है द कोर्स विच इट इज फॉलोइंग, जो ये तरीका, जो ये रास्ता, जो ये फ्लो बना करके चलती है उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर रेजिम के फॉर्मेट में। क्लियर हो गया क्या रिवर रेजिम है? फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या कुछ थ्योरीज हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या कुछ है। तो पैटर्न ऑफ सीजनल फ्लो ऑफ रिवर इन रिवर इज कॉल्ड एज रेजिम। तो जो पैटर्न फ्लो हो रहा है या कह सकते हैं जो रास्ता बना रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर रेजिम। द मेन डिफरेंस इन द फ्लो पैटर्न ऑफ हिमालय एंड पेरिनियल रिवर इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन क्लाइमेट। अब देखिए हमारे पास दो तरीके की रिवर है, एक हमारी जो है, एक जो हमारी हिमालयन रिवर्स है और दूसरी हमारी जो है पेनिनसुलर रिवर्स है। पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर दो टाइप की रिवर पाई जा रही होती हैं। दोनों के हमारे पास सोर्सेज अगर बात करें तो अलग है। जैसे हिमालय के बारे में बात करें तो इसके में जो रिवर में जो वाटर अवेलेबिलिटी आती है वो दो कारणों से आती है। एक होती है जो ग्लेशियर्स होते हैं और दूसरे होते हैं जो रेनफॉल के कारण से आ रही होती है। जो हमारी पेनिनसुलर इंडिया है यहां पर अगर बात करें तो यहां पर रिवर में केवल और केवल रेन फेड होती है, यानी बात कर सकते हैं कि रेनफॉल के थ्रू ही केवल और केवल ये वाटर का वॉल्यूम आ रही होती है। तो काफी दोनों में डिफरेंस हो जा रहा होता है। तो हिमालयन रिवर्स इसी वजह से पेरेनियल हो जाती है, सतत वाहिनी हो जाती है, क्योंकि लगातार इनमें वाटर की अवेलेबिलिटी मेंटेन की जा रही है बिकॉज ऑफ द स्नो फ्लो या फिर हमारी रेनफॉल। वही हमारी अगर बात करते हैं कि जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स है दे आर ओनली मॉनसूनल डिपेंडेंट एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय रेनफॉल अलोन। इवन रेजिम्स ऑफ डिफरेंट पेनिनसुलर रिवर आर नॉट द सेम। दोनों अगर पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात करें, नंबर ऑफ रिवर्स हैं जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, पेन्नार हो गई, बहुत सारी हमारे पास रिवर हो जा रही होती है। इन रिवर की भी अगर हम बात करें विद इन दीज रिवर्स इनकी भी रेजिम डिफरेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। वही कि सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे हमें मिल रहा होता है। जैसे आंध्र प्रदेश के एरिया में बात करें तो वहां पर रेनफॉल बहुत ही स्कैंटी है, बहुत ही कम है, जबकि वही दूसरे इलाकों में हमें अच्छा खासा रेनफॉल मिल जाता है। इस वजह से दूसरे इलाकों में हमें अच्छा खासा वाटर वॉल्यूम मिल जा रहा होता है। द डिस्चार्ज इज द, अब डिस्चार्ज की क्या चीज होती है, देखिए डिस्चार्ज को हालांकि जब भी इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ाया जाता है तो उसको क्यू से दिखाया जाता होता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि फ्लो, या फिर इसी को बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर बेसिकली। तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर मेजर्ड ओवर टाइम। तो टाइम के साथ में कितना वॉल्यूम बना हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज। इसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं क्यूजेक या फिर क्यूमेक्स, दोनों ही होती है यूनिट। जनरली क्यूजेक जो होती है फॉलो की जा रही होती है। अगर इस क्यूजेक के फॉर्मेट से ही अगर देखा जाए तो बेसिकली रिवर रेजिम हमें एक पैटर्न पता चलेगा कि रिवर रेजिम का क्या पैटर्न है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसी डिस्चार्ज के बारे में बात करनी होती है। यहां पर देखिए एक रिवर ली गई है गंगा रिवर जो कि हिमालयन रिवर है, और यहां पर बात किया गया है कि इसके पास भी अगेन दो तरीके होंगे, एक तो ग्लेशियर के कारण से होगा और दूसरा हमारा रेनफॉल के कारण से होगा। तो यहां पर गंगा में जो मैक्सिमम फ्लो मिल पा रहा होता है वो मिलता है हमारा जुलाई से अगस्त के बीच में, क्योंकि ये वो टाइम होता है जहां पर ग्लेशियर्स की मेल्टिंग भी हो रही होती है और साथ ही साथ हमारी रेनफॉल भी हो रही होती है, और इसी वजह से इसका जो डिस्चार्ज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस वॉल्यूम ऑफ द वाटर बढ़ने के कारण से ऑब्वियसली इनकी जो
रेजीम होगी वो स्ट्रेटन हो जाएगी, कह सकते हैं इनका जो फ्लो ऑफ पैटर्न है वो सीधा हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी काफी ज्यादा हो चुकी होगी, इस कारण से हमें रेजीम भी स्ट्रेटन टाइप का मिल रहा होगा। सितंबर के बाद से ऑब्वियसली क्या होगा, रेनफॉल बंद हो चुकी है तो यहां पर स्टेडी फॉल देखने को मिल रहा होता है। द रिवर डज हैज अ टिपिकल मॉनसूनल रेजीम, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी भी मॉनसूनल रेजीम है एक तरीके से। देयर आर स्ट्राइकिंग डिफरेंस इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा, एक साइड में अगर देखें वेस्टर्न साइड में तो यहां पर क्या है थोड़ी सी स्कैंटी हो जाती है क्योंकि रेनफॉल बहुत कम है, ईस्टर्न साइड में देखें तो काफी ज्यादा हैवी फ्लो मिल रहा होता है क्योंकि लगातार एक तो ग्लेशियर का वाटर मिल रहा होता है और दूसरा रेनफॉल अच्छी खासी मिल रही होती है जिसमें रेनफॉल वाला जो फैक्टर है वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है। दिस इज लार्जली ड्यू टू वाटर सप्लाई फ्रॉम हिमालय स्नो मेल्ट, द डिस्चार्ज डेटा हाउएवर डू नॉट इंक्लूड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द इरिगेशन वाटर, तो इरिगेशन के कारण से जो भी चीजें होती है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे होते हैं। वही अगर बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर के बारे में तो पेनिनसुलर रिवर थोड़ी सी अलग तरीके से बिहेव कर रही होती है। इस पेनिनसुलर रिवर में भी हम लोग दो तरीके के रिवर के बारे में बात करेंगे, एक बात करेंगे नर्मदा की और दूसरी बात करेंगे हम लोग गोदावरी की। नर्मदा रिवर के बारे में अगर बात करें तो देखिए यहां पर जो फ्लो मैक्सिमम मिल रहा होता है वो अगस्त के मौसम में मिल रहा होता है। अगस्त के मौसम में मिलने का रीजन यही है कि यहां पर देखिए रेनफॉल डिपेंडेंट होती है, ये ग्लेशियर कुछ खास होता नहीं है तो इस वजह से हमें मैक्सिमम जो रेनफॉल मिल भी रही होती है वो अगस्त के महीने में मिल रही होती है, जिसके कारण से रेन कह सकते हैं इसमें जो रिवर रिजीम मैक्सिमम होती है डिस्चार्ज वो अगस्त के महीने में मिल रहा होता है। वही अगर गोदावरी के बारे में बात करें तो ये अगस्त तो अगस्त लेकिन ये जुलाई के दौरान में भी अच्छा खासा हमें रेन डिस्चार्ज मिल जा रहा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डेटा दिखाया गया है लाइक मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ गोदावरी एट पोलावरम इज 3200 क्यूजेक, दिस फिगर गिव एन आइडिया ऑफ रिवर रिजीम, द फ्लो ऑफ वाटर इन नर्मदा ये गढ़मुक्तेश्वर के पास में अगर देखें तो केवल और केवल 2300 क्यूजेक वाटर होता है जबकि मिनिमम फ्लो 15 है। गोदावरी का बात करें तो देखिए हाई क्यूजेक मिलता है 3200 मिल रहा होता है और वही मिनिमम के बारे में बात करें तो इसमें भी नियर अबाउट 30 क्यूजेक वाटर की अवेलेबिलिटी हो पाती है। द डेटा ऑन वाटर डिस्चार्ज इन डिफरेंट रिवर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर हैव इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन टू देयर यूटिलाइजेशन, अब देखिए रिवर के क्योंकि यहां पर जितने भी रिवर्स हैं मतलब कहां पर पेनिनसुलर इंडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो पेनिनसुलर इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी रेन फेड ही होती हैं। रेन फेड होने के कारण से कुछ रिवर में अच्छा खासा वॉल्यूम ऑफ द वाटर आ जाता है, कुछ में क्या है बहुत ही लेस वॉल्यूम होता है, ज्यादा पानी नहीं होता है। रेन वाटर के होने के कारण से या कह सकते हैं रेन फॉरेस्ट रेन फेड होने के कारण से यहां पर जो आपस में जो स्टेट्स हैं वो इस वाटर के लिए हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, किसको लेकर के वाटर शेयरिंग को लेकर के, क्योंकि जिस एरिया से निकल रही है मान लेते हैं कर्नाटक से निकल रही है या फिर हमारे तमिलनाडु से कोई रिवर निकल रही है तो तमिलनाडु अगर ज्यादा पानी अगर रोक लेगा ज्यादा पानी अगर डाइवर्ट कर लेगा तो ऑब्वियसली ये डिस्चार्ज इसका घट जाएगा जिससे कि आगे के स्टेट जैसे केरला या फिर कर्नाटक वो उतना ज्यादा वाटर अब नहीं रिसीव कर पाएंगे जिसके कारण से उनमें एक तो फ्लो नहीं बन पाएगा, पावर प्लांट नहीं लगा पाएंगे, साथ में एग्रीकल्चर के लिए जो भी इरिगेशन सोर्सेस चाहिए होते हैं वो भी नहीं मिल पाएंगे, तो इस कारण से लगातार ये डिस्प्यूट होते रहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या डिस्प्यूट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग कोर्स ऑफ रिवर। शिफ्टिंग कोर्स ऑफ रिवर का मतलब क्या है, रिवर के लैंडफॉर्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिवर लैंडफॉर्म यहां पर होता क्या है, रिवर के बेसिकली तीन स्टेज होते हैं। एक स्टेज होता है जहां पर ये अपने यूथफुल स्टेज में होती है जहां पर वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, डिस्चार्ज भी काफी ज्यादा होता है। इस कारण से होता क्या है, ये लैटरल इरोजन और डाउन कटिंग में से डाउन कटिंग ज्यादा कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू लैटरल इरोजन। इसीलिए क्या होता है कि लगातार ये डीपनिंग ऑफ द रिवर बेड होता रहता है। यहां पर आप बोल सकते हैं कि डीपनिंग ऑफ रिवर बेड होती रहती है। वही अगर बात करें हम लोग आगे दूसरे स्टेज में तो दूसरे स्टेज में मैच्योर स्टेज आती है। इस मैच्योर स्टेज का मतलब ये होता है कि यहां पर वेलोसिटी ज्यादा तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू यूथफुल, तो यहां पर भी डिस्चार्ज अच्छा खासा मिल रहा होगा लेकिन यहां पर वेलोसिटी रिलेटिवली कम हो जाती है जिसके कारण से अब लैटरल इरोजन भी स्टार्ट हो चुका है और साथ में
डाउन कटिंग भी हो रही है। यहां पर जब आप देखेंगे तो लेटरल इरोजन और डाउन कटिंग दोनों ही स्टार्ट हो चुकी होती है, ऑल दो डाउन कटिंग यहां पर भी डोमिनेंट हो रहा होता है, तो दिस इज डोमिनेटिंग नेचर का हो जाता है। लेकिन अब जैसे ही ये अपने सेनाइल स्टेज में आती है, जैसे ही ये अपने वृद्धावस्था में आ जाती है, वैसे ही इसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है, डिस्चार्ज भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। इस वेलोसिटी के घटने और डिस्चार्ज के घटने के कारण से अब जो लैटरल इरोजन वाली चीज है वो भी बहुत ही कम हो जाती है, डाउन कटिंग तो एकदम बंद हो जाती है, डाउन कटिंग रिलेटिवली एकदम से बंद हो जा रही होती है। लेकिन यहां पर डिपोजिशन वर्क होना शुरू हो जा रहा होता है, डिस्पोजिशन वर्क होने के कारण से हमें डेल्टा वगैरह मिलना शुरू हो जा रहा होता है। तो ये बेसिकली होती है रिवर की जो लैंडफॉर्म होती है। हमें इसी मैच्योर स्टेज में ही एक और लैंडफॉर्म फीचर मिलता होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मियांडरिंग। मियांडरिंग ये मिलता है हमें नए फॉर्मेट में, मतलब मैच्योर फॉर्मेट में हमें मियांडरिंग मिल रही होती है, सर्पिला कार इस तरीके से रास्ता बना रहा होता है। यहां पर कई सारे जो होता है आप बोल सकते हैं लैंडफॉर्म मिल रहे होते हैं, जैसे लेवीज हो गया या फिर ऑक्सबो लेक वगैरह हो गया, तो नंबर ऑफ लैंडफॉर्म हमें यहाँ मिल रहे होते हैं। हम लोग लैंडफॉर्म के बारे में यहाँ बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहां पर मेरे कहने का कुल मिलाकर के मतलब यही है, जब ये अपने यूथफुल स्टेज या जब अपने मैच्योर स्टेज में रहती है तो रिवर के अंदर एक क्वालिटी होती है और उसको बोलते हैं हम लोग रिवर कैप्चर। रिवर कैप्चर का मतलब ये हो जाता है कि एक रिवर दूसरी ट्रिब्यूटरी या दूसरी रिवर को ये कैप्चर कर लेती है बिकॉज ऑफ इट्स हाई वॉल्यूम, हाई डिस्चार्ज और हाई वेलोसिटी। इस रिवर कैप्चर को हम लोग लगातार देखते रहते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे बहुत सारे रिवर कैप्चर के बारे में। इस रिवर कैप्चर के कारण जो रिवर होती है वो लगातार अपनी कोर्स को चेंज करती रहती है, मतलब अपनी रेजीम को चेंज करती रहती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कोर्स या शिफ्टिंग रेजीम ऑफ द रिवर। ये गंगा भी कर रही होती है, इंडस भी कर रही होती है और ब्रह्मपुत्र भी कर रही होती है। इनफैक्ट हमारे एंशियंट टाइम पे हम लोग ब्रह्मपुत्र और इंडस को अभी फिलहाल डिस्कस भी करेंगे कि किस तरीके से रेजीम चेंज करके आज की डेट में ये कन्वर्ट हो चुकी है। तो फटाफट देखना शुरू करते हैं और एक एक करके यहां पर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा गया है कि इंटरेस्टिंग फिनोमिना ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर या जिसको हम लोग हिमालयन रिवर भी बोल रहे होते हैं एंड दैट ऑफ द पेनिनसुलर हैव शिफ्टिंग कोर्स, दोनों में ही शिफ्टिंग कोर्स हमें पाई जा रही होती है स्पेशली अपने लोअर रीचेस में। इन अपर रीचेस हिमालय हैव टेंडेंसी ऑफ रिवर कैप्चरिंग, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी। रिवर कैप्चरिंग इज मेनली कॉज बाय हेडवर्ड इरोजन ऑफ द रिवर, आगे से ये तोड़ रही होती है और अल्टीमेटली जा करके जुड़ जा रही होती है किसी वहीं पर जो भी रिवर हो रही होती है। तो इन द प्लेन एरिया जनरली द रिवर फॉर्म मियांडर इन देयर कोर्स, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर देखा मैच्योर स्टेज में मियांडरिंग स्टार्ट हो जा रही होती है। लेकिन फ्लडिंग के टाइम पे बात करें तो जो यूथफुल है वो तो यूथफुल ही है, लेकिन जो मैच्योर है वो भी यूथफुल में कन्वर्ट हो गई है क्योंकि डिस्चार्ज बहुत ज्यादा मिल गया है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा मिल गई है। तो स्ट्रीम अब स्ट्रेटन मतलब सीधा होना शुरू कर दे रहे होते हैं, मतलब अपने यूथफुल स्टेज को और ज्यादा एक्सटेंड कर ले रहे होते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे हमारे टेक्टोनिक फैक्टर्स हो गए। टेक्टोनिक फैक्टर का मतलब हो गया जो अर्थ के मूवमेंट के कारण से हो रही होती हैं। इन सारे फैक्टर के थ्रू हमें अल्टीमेटली एक नए नए तरीके के लैंडफॉर्म, नए नए तरीके की चीजें हमें देखने को मिल रही होती हैं, बट फ्लड के कारण से भी हमें बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही होती हैं। तो अब हम लोग वन बाय वन करके जरा डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि शिफ्टिंग कोर्स ऑफ रिवर कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग जरा बात करेंगे सरस्वती रिवर की। सरस्वती रिवर जो कि पहले राजस्थान एरिया में पाई जा रही होती थी एंशियंट टाइम की, जो सूख चुकी है, इनफैक्ट रिसेंट में अभी इसके रेमनेंट मिले हुए हैं और हमें एक पूरी की पूरी प्रूफ मिल गई है कि हाँ दिस वॉज द रिवर इन द एंशियंट टाइम विच वॉज फ्लोइंग टूवर्ड्स या फिर थ्रू दीज प्लेन्स, तो विच प्रोवाइडेड अबोड ऑफ अर्ली आर्यन सेटलर, प्रेजेंट अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ शिफ्टिंग कोर्स एंड रिवर कैप्चरिंग। जब ये सरस्वती रिवर उतर रही होती है हिमालय से, इट इनिशियल कोर्स ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड वॉज पासिंग नियर चुरू। चुरू एक राजस्थान में जगह है, वहां से ये गुजर रही होती है। जो भी हमारी रिवर्स हैं जैसे लूनी रिवर वगैरह हो गई, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी। इट ग्रेजुअली शिफ्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। अब ये धीरे 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 क्या है, वेस्ट की ओर में शिफ्ट हो गई टिल ये सतलज रिवर से ज्वाइन कर गई है। सतलज रिवर जो कि
हमारे इंडस की ट्रिब्यूटरी हुआ करती है, उससे हमारी ये सतलज रिवर जो है या फिर कह सकते हैं सरस्वती रिवर जो है वो ज्वाइन कर ले रही होती है अहमदपुर के पास में। लेटर ऑन वाटर ऑफ अपर कोर्स वॉज कैप्चर्ड बाई ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो बाकी जो होती है बाद में कह सकते हैं, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारी इंडस रिवर निकल रही है और ये पाकिस्तान में इस तरीके से चली जा रही है। इंडस रिवर यहीं से हमारी रावी, चेनाब, झेलम ये सब निकल रही होती है और सतलज रिवर ऐसे आ रही होती है, इस तरह से जुड़ जा रही होती है। सरस्वती रिवर जो होती है इस तरीके से आ रही होती थी और आगे जाकर के जुड़ती थी इन द वेस्ट में जाकर के। लेकिन ये हो गई इसकी एक ट्रिब्यूटरी, यहां पर है लूनी रिवर, इस तरीके से हमारी ट्रिब्यूटरी लूनी की बन जा रही होती थी। लेकिन यहीं पर हमारी मूव कर रही होती थी गंगा रिवर और वो इधर से मूव कर रही होती थी, इस तरीके से गंगा निकल रही होती थी। गंगा का एक पार्ट ये अपने अपर रीचेस में जा करके मिल रहा होता था गंगा से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे यहीं पर सरस्वती रिवर ये हो गई, यहां पर ये गंगा रिवर हो गई और इसी तरीके से यमुना रिवर भी आ रही होती थी और तीनों का जो संगम होता था वो हमें इलाहाबाद के पास में मिलता था। ऐसा आप लोगों को बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे तो आइडिया होगा कि क्या चीज है ये। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से जो ये अपर रीचेस, अपर कोर्स जो हमारी रिवर है सरस्वती की, वो कैप्चर कर ली जा रही है गंगा रिवर के द्वारा। क्यों गंगा रिवर के द्वारा? क्योंकि सीधी सी बात है इनके पास वेलोसिटी काफी ज्यादा है और साथ में डिस्चार्ज भी काफी ज्यादा है। कह सकते हैं कि ये जो रिवर गंगा इस समय है जो गंगोत्री से निकल के आ रही है, ये अभी अपने यूथफुल स्टेज में और यूथफुल स्टेज में होने के कारण से रिवर कैप्चर जैसी घटनाएं बहुत ही आम बात है और रिवर कैप्चर यहां पर कर लिया जाता है सतलज रिवर का, सॉरी सरस्वती रिवर का। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि ये पूरी की पूरी रिवर जो सब्सिक्वेंट रिवर टाइप की वाली चीज है वो इस तरीके से बदल जाती है और अल्टीमेटली ये जो वेस्टर्न साइड वाला इलाका है ये पूरा का पूरा ड्राई हो गया और अल्टीमेटली सरस्वती रिवर का जो नामो निशान है वो पूरी तरीके से मिट गया। यहां पर जो एक ट्रिब्यूटरी आई हुई थी ये पूरी की पूरी गंगा के द्वारा कैप्चर कर ली गई, रिवर कैप्चर कर लिया गया और आज की डेट में केवल और केवल लूनी रिवर एक दिख रही होती है जो कि केवल और केवल लैंडवर्ड होती है, मतलब ये कहीं सी में नहीं गिर रही होती है। एकमात्र ऐसी इंडिया की रिवर है जो किसी ओशियन में जाकर के नहीं गिर रही होती है। एंड दिस वॉज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सरस्वती रिवर विच वॉज ड्रेनिंग इन अरेबियन सी। तो ये गल्फ ऑफ खम्बत के थ्रू जो होता है अरेबियन सी में गिर रही होती थी बट अब वो सूख चुकी है पूरी तरीके से। तो एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली रिवर कैप्चर या शिफ्टिंग ऑफ द रिवर का मतलब क्या है। नेक्स्ट आती है कि इवन टुडे द ड्राई एरिया ऑफ सरस्वती रिवर इज फाउंड इन द राजस्थान एरिया। इनफैक्ट अभी रिसेंट में एक रेमिनेंट भी मिला था और उस रेमिनेंट ने इस चीज को प्रूफ भी किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ घग्गर वैली। सिमिलर शिफ्टिंग हैज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व इन द रिवर्स ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल पास्ट। द रिकॉर्ड ऑफ 3rd century BC शो दैट इंडस फ्लोड मोर देन 130 किलोमीटर प्रेजेंट सिस्टम। जैसे अब इंडस रिवर का थोड़ा सा अगर देखें आइडिया तो देखिए हमारी इंडस रिवर है, दिस इज इंडस रिवर और ये हमारा देखिए जो सिस्टम चल रहा है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला चल रहा है। आपको आइडिया लग गया मोहनजोदड़ो देख करके। यहां पर क्या है, रिवर इस तरीके से निकल रही होती है और यहां पर इस तरीके से मूवमेंट लेकर के अल्टीमेटली अरेबियन सी में ड्रेन हो रही होती है। लेकिन ये है एंशियंट टाइम का, यहां पर देख सकते हैं झेलम निकल रही है, फिर उसके बाद रावी निकल रही है, फिर ब्यास निकल रही है और इसी तरीके से यहां पर सतलज रिवर भी हो रही होती थी। ये पूरी की पूरी जो रिवर सिस्टम है इसके लिए हम लोगों ने जो मैप मेकिंग की क्लासेस कर रखे हैं उस मैप मेकिंग की क्लासेस में लगातार मैं इस समय रिवर जैसे स्टार्ट हो गई है तो अब रिवर को हम लोग इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज टाइम वेस्टेज होगा। हम लोग ये जो रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरी है, रिवर की जो मेन ओरिजिन है, कहां से निकला, क्या निकला, सारा का सारा चीज हम लोग उसी मैप मेकिंग की क्लासेस में देख लेंगे। डबल काम हो जाएगा, एक तो हमारा मैप मेकिंग भी तैयार हो जाएगा और हमारी ज्योग्राफी का ये पार्ट भी तैयार हो जाएगा, साथ में जीएस भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहां पर एज सच ज्योग्राफी ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कभी ड्रेनेज से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जहां पर आपसे ट्रिब्यूटरी वगैरह के बारे में पूछा जाए मेन्स में, तो उसको मैंने यहां पर स्किप किया हुआ है, हम लोग डायरेक्टली मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देख रहे हैं। चलिए खैर, तो यहां पर बोला गया है कि देखिए ये सिस्टम जो होता है कुछ इधर के साइड में है बट एक्चुअल में आज की डेट में बात करें तो रिवर कुछ ऐसे फ्लो कर रही है, मतलब ये जो शिफ्ट है ये वेस्टवर्ड शिफ्ट आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा हो रखा है। इसी के बारे में हम लोग बात भी कर रहे हैं थोड़ा सा। अगर और देखें तो देखिए ये है हमारी रिवर जो गूगल मैप से ली गई है, यहां पर हमारा थार डेजर्ट हो जाता है और यहां पर पाकिस्तान की रेंज हो जाती है, ये पूरा का पूरा इलाका डेजर्टी और यहां पर जो इंडस रिवर है यही थोड़ा मोड़ा यहां पर ग्रीनरी लेकर के आती है, अदरवाइज ये पूरा इलाका पूरी तरीके से डेजर्टेड इलाका है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडस रिवर है, यहाँ पर झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि रिवर अच्छी खासी फैली हुई है। दिस इज द घाघर, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम सरस्वती, सरस्वती रिवर यहीं पर हुआ करती थी, बस आज की डेट में सूख गई है। तो ये हो गई हमारी जो सिस्टम है। नाउ अगर आगे बात करें कि इंडस फ्लोड मोर देन 130 किलोमीटर ईस्ट ऑफ इट्स प्रेजेंट टुडे, आज की डेट से ईस्ट में बह रही होती थी, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि अभी आज का ये प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट। थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ दिखना शुरू हो जाए। हम भी लोग ब्लू ले लेते हैं। ये है आज का प्रेजेंट रिवर, दिस इज प्रेजेंट रिवर। और आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट रिवर है वो वेस्ट साइड में है पुराने साइड से, यानी कि प्रेजेंट से ईस्ट में हुआ करती थी जो पुरानी वाली थी। तो यही चीज यहां पे लिखी है, 130 किलोमीटर ईस्ट में हुआ करती थी। तो थ्रू द नाउ प्रैक्टिकल ड्राई बेड्स ऑफ डेजर्टेड चैनल टू रन ऑफ कच विच वॉज देन अ गल्फ ऑफ अरेबियन सी, तो इस तरीके से मूव ऑन करके अल्टीमेटली अरेबियन सी में ये ड्रेन कर जा रही होती थी। लेटर ऑन इट ग्रेजुअली शिफ्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, बाद में वेस्ट की ओर शिफ्ट हो गई है और उसके बाद से आज की जो पोजीशन है वो पोजीशन को होल्ड कर लिया है। ज्यादा नहीं, हम लोग अगर अकबर के टाइम पर भी चले आए तो वहां पर जो झेलम और चेनाब जो जुड़ रही होती थी वो बेसिकली इंडस के पास में कुछ पाकिस्तान में एक जगह है, वहां पर ये एक दूसरे के साथ में जुड़ रही होती थी। अकबर का टाइम मतलब 1600 एडी के टाइम पे, और आज से कुछ नहीं तो लगभग 400 साल पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। इस 400 साल में ही अच्छा खासा हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, डेजर्टिफिकेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से आप देख सकते हैं कि झेलम और चेनाब जो कुछ जगह में मिल रही होती थी वो आज की डेट में चेंज होकर के 100 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम अब मिल रही हैं। सिमिलरली मुल्तान वाज फॉर्मली लोकेटेड नियर द रवी रिवर, लेकिन आज की डेट में वो 60 किलोमीटर साउथ जा चुका है, चेनाब के कॉन्फ्लुएंस के अराउंड में हो चुका है। तो अबाउट 250 ईयर्स एगो द ब्यास रिवर चेंज इट्स कोर्स, ट्रेसेस ऑफ विच आर स्टिल फाउंड नियर मैंगोमरी एंड मुल्तान। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये लोकेशन जो होती है लगातार चेंज हो रही होती है। यहां पर देखिए आपको जो जितना भी ये नाम लिखा गया वो नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल इसकी लोकेशन को देखिए कि कैसे ये चेंज कर रही है। जैसे अगर बात करते हैं यहां पर रिवर की, इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर अपने वेस्टवर्ड साइड में शिफ्ट हो गई है। सिमिलरली अगर बात करें इंडस और रावी, चेनाब, इन सब की बात करें तो जो मूवमेंट पहले यहां होता था वो मूवमेंट अब शिफ्ट हो गया है ऊपर के साइड में। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो रिवर की शिफ्टिंग है वो बेसिकली हर एक रिवर में हमें देखने को मिल रही होती है। इसी कारण से जो रावी है वो रावी पहले कहीं यहां पर अगर मूव कर रही है तो आज की डेट में वो ब्यास के पास में चली गई है, जो भी जगह है वो, जो भी प्लेस है जहां पर ये मैचिंग हो रहा होता था वो अब ब्यास के पास में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग होगी तो हर एक जगह की शिफ्टिंग होगी। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि हर एक रिवर के थोड़ा थोड़ा नॉर्थ में आप चले जाइए वो सारी लोकेशन आपको मिलना शुरू हो जा रही होगी। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब हम लोग बात करेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। तो हम लोगों ने सरस्वती रिवर के बारे में देख लिया, इंडस के बारे में देख लिया, एक और देख लेते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसको कि हम लोग सेंगपो रिवर के नाम से भी जान रहे होते हैं अपने तिब्बत में, जिसको कि वन चाइना पॉलिसी के तहत में चाइना के सॉवरेनिटी में लिया जाता है। तो अबाउट 250 ईयर एगो, 250 साल पहले ब्रह्मपुत्रा जो होती थी वो मैमन सिंह के पास से ड्रेन कर रही होती थी। इट्स द वाटर ऑफ मेघना रिवर। अब मेघना आपको पता है कि ये जैसे मान लेते हैं कि मिजोरम का इलाका है, दिस इज म्यांमार का इलाका, यहां पर असम का इलाका, तो यहां पर बेसिकली यहां पर जो रिवर्स है ये मान लेते हैं कि हमारी बांग्लादेश, ये हमारी जो रिवर है वो इस तरीके से आती है और यहां पर ड्रेन कर रही होती थी। लेकिन ये जो डिस्चार्ज वाटर इनटू मेघना रिवर हो रहा होता था ये काफी ऊपर हो रहा होता था। ऊपर का मतलब क्या है? जैसे आज के डेट में मेघना, पद्मा, इस तरीके से मिल मिला करके जो रिवर्स बन रही होती है वो समथिंग डिफरेंट है और उस समय कुछ अलग हुआ करता था 250 साल पहले। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द स्ट्रेटनिंग ऑफ कोर्स एंड ज्वाइन द गंगा पद्मा रिवर। तो इधर से हमारी अगर बात करें, इधर से हमारी पद्मा रिवर आ रही है जो कि मतलब गंगा ही है, पद्मा के नाम से जानी जा रही है, वो आगे मूव करके चूंकि यहां पर स्ट्रेटनिंग हो गई है तो यहां पर रिवर कैप्चर वाली चीज हो गई है, जिसके कारण से यहां पर हमें जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो अब थोड़ा सा अपने कोर्स को आगे बढ़ा दी है। आगे बढ़ाने के कारण से हमें इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। थोड़ा सा अगर और क्लैरिटी के साथ देखें तो ये हमारी कुछ रिवर आ जा रही होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारी ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, बीच में जो जा रही है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर है। वन सेकेंड,
कलर ले लेने से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, तो इस वजह से कलर ले ले रहा हूं मैं। ये बीच में जा रही है हमारी, ये पूरी की पूरी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, दिस इज आवर ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब आप देख सकते हैं यहां पर मल्टीपल तरीके की हमारे पास इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये ट्रिब्यूटरी हालांकि शुरू में इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस समय ये बेसिकली सिंगल रिवर हुआ करती थी, लेकिन रिवर कैप्चर के दौरान में ये अलग अलग ट्रिब्यूटरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट होते गई हैं। जैसे यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो हमारी कपिली रिवर है, फिर उसके बाद धानसरी रिवर है, फिर उसके बाद से दिहांग दिबांग, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो ये जो रिवर्स हैं, शुरू में जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो ऐसे ही मूव करती थी, लेकिन मेघना जो रिवर थी वो इस साइड में यहां से निकल रही होती थी। सिमिलरली गंगा रिवर, पद्मा रिवर इस तरीके से मूवमेंट हो रहा होता था, लेकिन इसका जो ब्रह्मपुत्रा है इसका ऊपर से डिस्चार्ज बढ़ा। डिस्चार्ज बढ़ा क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ग्लेशियर मेल्ट हुए, ग्लेशियर मेल्ट हुए, डिस्चार्ज बढ़ा। डिस्चार्ज बढ़ा तो हमारा जो रिवर इधर से ऐसे मूव कर रहा था वो अब आगे चला गया, और अल्टीमेटली इधर से मूवमेंट स्टार्ट हुआ। यहां पर हमारी पद्मा रिवर आ जाती है, यहां पर हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर आ जाती है, और दोनों मिलकर के अल्टीमेटली मेघना बना ले रहे होते हैं। तो जो मेघना रिवर इधर के साइड में आ रहा था उसको कैप्चर कर लिया गया भाई, किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्रा के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब जरा वापस से आते हैं अपने इस लोकेशन पे। तो इस तरीके से हमारी फॉर्मिंग अ न्यू स्ट्रीम कॉल्ड जमुना इन द रंगपुर एंड जमालपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। अ फीबल चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्रा इज स्टिल फ्लोइंग अलॉन्ग द सेम ओल्ड कोर्स एंड रिटेन द ओल्डर नेम। तो खैर, जो भी हमारी ब्रह्मपुत्रा नाम है वो पुराना ही नाम लेकर के चलती रही है। सब कहानियां लिखी गई हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से जो हमारी माधोपुर फॉरेस्ट एरिया है ये भी राइज कर गई। राइज करने के कारण से यहां पर टेक्टोनिक चेंजेस हुए। टेक्टोनिक चेंज कहने का मतलब ये तरह से कह सकते हैं कि एरिया उठ गया। एरिया उठने के कारण से सीधी सी बात है कि रिवर के पैटर्न में एक चेंज देखने को मिल जाएगा, और ये रिवर पैटर्न देखने यही जो चेंज है अल्टीमेटली कई सारी रिवर के कोर्सेस को चेंज कर दिया। जैसे हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गई, चाहे हमारी मेघना रिवर हो गई, चाहे हमारी कपिली रिवर हो गई, या धानसरी रिवर, कोई भी रिवर हो गई, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि वो रिवर की जो पैटर्न है, जो रिजीम है, वो चेंज हो गई। इवन द एंट्री ऑफ ब्रह्मपुत्रा टू द प्लेन ऑफ असम इज ऑल्सो द आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिवर कैप्चरिंग। जियोलॉजिस्ट के हिसाब से कहा जाता है कि सेंको रिवर पहले बहती थी, और सेंको रिवर एक्चुअल में कुछ इस तरीके से बहती थी, और यहां पर ये हमारी मान लेते हैं सेंको रिवर है, दिस इज आवर सेंको रिवर, और यहां पर इरावदी रिवर बह रही होती थी। तो इरावदी के साथ सेंको का कह सकते हैं कि मिक्सिंग होता था, जो आगे जाकर के छिंदविन रिवर से मिल जाती थी और अल्टीमेटली जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर रही होती थी। लेकिन ड्यू टू द कोर्स चेंज ये सेंको अल्टीमेटली इधर से मुड़ गई, और मुड़ने के कारण से दिहांग दिबांग वाला केस बनता, और अल्टीमेटली जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो इंडिया में एंटर कर जा रही होती है। तो ये हुआ करता था उस समय। तो सेंको रिवर ऑफ तिब्बत टेकिंग ईस्टर्ली कोर्स ज्वाइंड द इरावदी रिवर एंड थ्रू द छिंदविन विच वॉज देन अ लार्ज रिवर ट्रांसपोर्टिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर। लेटर ऑन स्मॉल रिवर फ्लोइंग अलॉन्ग द ईस्ट सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय थ्रू द हेडवर्ड इरोजन कैप्चर ऑफ वाटर सेंको रिवर। इस तरीके से हमारी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो निकल जा रही होती। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली हम लोग क्या यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी रिवर है जो इस तरीके से मूव कर रही होती थी, इरावदी रिवर, जो आगे जाकर के छिंदविन रिवर से मिल जा रही होती थी, लेकिन अब इसने कोर्स चेंज कर दिया और इस तरीके से स्मॉल ट्रिब्यूटरी के फॉर्मेट में आगे निकल के आई, और अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्रा रिवर बन जा रही होती है। क्लैरिटी आ गई होगी आपको। आगे बात करें तो द ब्रह्मपुत्रा हैज कैप्चर्ड द वाटर ऑफ मेघना। अब देखिए हमारे पास यहीं पर आगे मेघना रिवर बह रही होती थी, हम लोग देखे थे ना, ये हमारी ब्रह्मपुत्रा यहां पर मेघना जो कि अपने कोर्स को चेंज कर दी थी बिकॉज ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ माधोपुर फॉरेस्ट। तो वही चीज है कि यहां पर मेघना बह रही होती थी जिसको ब्रह्मपुत्रा ने कैप्चर कर लिया। क्यों? क्योंकि इसके पास में वेलोसिटी काफी ज्यादा थी, और साथ में इसके पास डिस्चार्ज बहुत ज्यादा था। डिस्चार्ज बहुत ज्यादा था इसीलिए तो ये जो इरावदी से मिलती थी वो मूव करके अपना अल्टीमेटली खुद का एक रिवर निकालना शुरू कर दी। और ये अगर बात करें जो मेघना रिवर हुआ करती थी, ये निकलती थी मेघालय और मणिपुर के बीच में बरेल रेंज होती है, इस बरेल रेंज से निकला करती थी मेघना। लेकिन अगेन मूवमेंट हो गया जिसके कारण से ये शिफ्ट हो गई, कहां? फ्लोइंग साउथवर्ड एंड एम्प्टी द वाटर इन द बे ऑफ बंगाल। शिफ्ट होकर के ये साउथवर्ड चली गई, नीचे की ओर चली गई। सिमिलरली वही कपिली रिवर हुआ करती थी जो हेडवर्ड इरोजन करके नॉर्दर्न कोर्स में बह रही होती थी, जो कि लुमडिंग हैफोंग पास के पास से निकल रही होती थी, लेकिन अगेन ये कैप्चर कर लिया गया। सिमिलरली धानसरी रिवर भी हुआ करती थी जो कैप्चर कर ली गई थी। इन दोनों रिवर को अल्टीमेटली एक जुड़ करके नई रिवर बनाती है जिसका नाम हम लोग जमुना बोल रहे होते हैं।
अगर हम इन दोनों रिवर के बारे में देखें तो ये देखिए कपिली रिवर्स है, यहीं पर हमारी ये मेघना रिवर हुआ करती थी जो बाद में कैप्चर कर ली गई थी, और ये भी धानसरी रिवर है जो कि अगेन जो होती है कैप्चर कर ली गई थी। देयर कैन बी न्यूमरस कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्स। वॉट आर द कॉजेज, बहुत सारी हो सकती है। एक तो हो सकता है इस पूरे केवल और केवल ब्रह्मपुत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र में आखिर में क्यों ऐसी चीजें हुई। तो ब्रह्मपुत्र में होने के लिए एक बार जरा ब्रह्मपुत्र का मैप बना लेते हैं कि ये हमारा मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। यहां पर हमारी ब्रह्मपुत्र इस तरीके से आ रही है, मूव कर रही है और अल्टीमेटली यहां पर ड्रेन करके नीचे गिर जा रही है। कलर को चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा पानी है तो पानी जैसा दिखना भी तो चाहिए। ये देखिए पानी दिखा है ब्लू ब्लू कलर का, ठीक है। चलिए खैर, यहां पर जब आएंगे तो यहां पर जब आप देखेंगे तो व्हाट आर द रीजंस, क्यों ऐसा हुआ। एक तो तरीका है कि जो हमारी ग्रेट प्लेन है वो इस तरफ में शिफ्टेड है, या कह सकते हैं इस तरफ में टिल्टेड है। तो ये टिल्ट होने के कारण से, क्योंकि इलाका कुछ इस तरीके से हाइट अचीव किया है, दिस इज द हाइट और यहां पर हाइट कम है, तो हमारा जो इंडिया है वो टिल्टेड शेप है। ये आपको बहुत पहले से मैंने आप लोग को बता रखा है, जिसके कारण से जो रिवर है ऑब्वियसली वो ड्रेन करने की यहीं पर कोशिश कर रहा होगा। एक तो हो गया रीजन ये। दूसरा रीजन फ्लडिंग के कारण से, मतलब ग्लेशियर पिघला, ग्लेशियर के कारण से सीधी सी बात है कि यहां पर वॉल्यूम डिस्चार्ज बढ़ गया, डिस्चार्ज बढ़ गया तो वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो इसने रिवर की जो रेजिम है वो चेंज हो गई, मतलब पैटर्न चेंज कर दिया, और अल्टीमेटली हमें इस तरीके का पैटर्न कुछ देखने को मिल जाता है, रिवर कैप्चरिंग देखने को मिल जा रही होती है। तीसरा क्या तरीका हो सकता है, अपलिफ्टमेंट ऑफ पोटवर प्लेटू। तो जो दिल्ली सरहिंद प्लेटू है वो उठ गया, मतलब यहां पर हमें कुछ और टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण से ये अपलिफ्टमेंट देखने को मिल रहा होता है। ये अपलिफ्टमेंट अल्टीमेटली इस स्लोप को और बढ़ा देगा, और अल्टीमेटली हमें इसी तरीके की पैटर्न फिर देखने को मिल रही होगी। एक और होती है डाउन वार्पिंग ऑफ मालपा गैप। तो ये जो मालदा गैप है, ये डाउन वार्पिंग अगर हो रही होती तो और ज्यादा हमें इस तरीके से चीजें दिख रही होती हैं। तो बेसिकली ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव देखेंगे तो एक ही चीज हो रही है, बट अलग अलग रीजन के कारण हो रही है, इसलिए इस तरह से चीजें हो जा रही होती हैं। सिमिलरली खत्म नहीं हुआ, आगे देखिए माधोपुर फॉरेस्ट एरिया, ये भी क्या है अपलिफ्ट हो गया। तो माधोपुर अपलिफ्ट होने के कारण से आप देख सकते हैं फिर से हमारा ये जो रिवर रेजिम है ऐसे चेंज करके यहां गिरना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अपलिफ्टमेंट ऑफ बारिंद एरिया, बारिंद का मतलब ये जो यहां पर एरिया दिख रहा है, एक मिनट में इरेज कर देता हूं तब आपको और क्लैरिटी के साथ दिखेगा। ये हमारा जो इलाका है ये है बांग्लादेश का इलाका, और बांग्लादेश का ये जो इलाका है दिस एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं बारिंद ट्रैप, बारिंद ट्रैक्ट। ये एक्चुअली अपलिफ्ट कर गया था, अपलिफ्ट करने के कारण जो रिवर इस तरह से निकल के आ रही थी अपलिफ्टमेंट के कारण से इधर मुड़ जाएगी, सीधी सी बात है, और इस तरीके से हमें एरिया मिल जाएगा। और यहां पर हमारी पद्मा रिवर आ ही रही है, मेघना रिवर से मिल जाएगी और अल्टीमेटली अलग अलग फॉर्मेट में चेंज हो जा रही होगी। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली कि शिफ्टिंग कोर्स ऑफ द रिवर का मतलब क्या है और क्या चीज है। ये वो फिगर है जिसको आप लोग ध्यान में रखना है, क्या चीज है इसको बना करके रखिएगा। बाकी ये थी हमारी आज की लेक्चर, इसको आप यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, कोई डाउट होता है तो उसको उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें, कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको दी गई। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अगर इंटरेस्टेड है, इफ यू आर प्रिपेयर्ड एनफ टू गेट अ टेस्ट सीरीज देन यू कैन ऑब्वियसली इवैल्यूएट योर नॉलेज, आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी कर सकते हैं बाई एनरोलिंग इनटू द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की सारी डिटेल आपको शुरू में ही बता दी गई है। चलिए फिर मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।